हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले हम टाइम टेबल की बात कर लें। मॉर्निंग टाइम 11 से 12 का है आपका, और मॉर्निंग क्लास में हमने जो है बेसिक से शुरुआत किया है। अभी इस वीक में 12:15 से हमारी क्लास चल रही है। मॉर्निंग क्लास में हमने जो है मिक्स वैरायटी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके साथ में हमने सिंप्लीफिकेशन और साथ में जो है हमने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस किए थे। इवनिंग क्लास में जो है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, और आज जो है अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है आपकी, ठीक है। इवनिंग क्लास का टाइम 5 से 6 का रहता है, और अभी जो है 6:15 इस वीक में क्लास हो रही है। आज की क्लास का जो एजेंडा है वो मेनली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड और टाइम पीरियड निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि हिंदी में भी बोलना है और जो है उसका स्पीड थोड़ा स्लो करना है, तो मैं आज जो है थोड़ा और स्पीड कम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको असाइनमेंट जो है अभी तक के जितनी क्लासेज हुई कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसके असाइनमेंट मैंने आपको सेंड किए हैं, आपको वो सोल्व करने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एट वोट परसेंट पर एनम विल ₹3,000 अमाउंट टू ₹3,993 इन 3 years इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये कहता है कि किस दर से ₹3,000 की राशि ₹3,993 हो जाएगी, कितने साल में? 3 साल में। जो हिंदी वाले हैं आप चाहे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। यदि जो है ब्याज की दर वार्षिक हो, तो अब देखो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहूँगा कि फॉर्मूला क्या होता है आपका। फॉर्मूला होता है a=p(1+r/100)n, ठीक है। अब चाहो तो आप इस फॉर्मूला से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे? आपको अमाउंट दे रखा है, अमाउंट को लिखोगे आप 3993, प्रिंसिपल जो है आपका कितना है 3000 है, और 1+r/100, यहाँ पे पावर कितना लगाया हुआ है आपका, 3 पावर लगाया हुआ है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है आपका, अमाउंट बराबर p(1+r/100)n, तो 3993 = 3000 × 1+r/100³। तो अब देखो यहाँ पे ये 3000 इसके नीचे आएगा, या पहले जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 3 से 1 बार 3 बार 3 बार 1 बार, ये 3000 इसको भी काटा ना, 1000 हो गया, तो 1000 इसके नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1+r/100³ हो जाएगा, ठीक है, 1+r/100³ हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ, तो ये 1+r/100 जो है इसका जो क्यूब है, सामने आपके पास क्या है आपका, 1331, तो मैं इसको लिखूँगा 11/10³, और इधर 3 पावर है, तो इधर देखो 3 पावर थी ना, यहाँ पे 1+r/100³, और जो है 1331 को 11 का क्यूब लिख दिया, 1000 को 10 का क्यूब लिख दिया, तो यहाँ इसको जब सोल्व करोगे तो बन जाएगा आपका 1+r/100 = 11/10, ठीक है। तो r/100 कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, 11/10 माइनस में 1 हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10, ठीक है। तो r बराबर इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका, 10% आ जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका जो सब्जेक्टिव अप्रोच है, उस मेथड से मैंने यहाँ पे सोल्व किया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले आपको पी और ए दे रखा है, तो सबसे पहला स्टेप आप पी और ए को लिख लो। यहाँ पे 3000 है, और यहाँ कितना था भाई, ये था आपका 3993, 3000 लिखा है और 3993 लिखा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको 3 से काट दो, 1000 हो गया, इसको काटोगे 1331 हो गया। पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों का रेशियो ले लो, कुछ भी कॉमन बचना नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 3 साल है तो आपको क्यूब रूट लेना है, ये मैंने कल भी बताया और बीच में बताया होगा आपको। अगर यहाँ पे 3 साल है तो इसका क्यूब रूट लेना है, अगर 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 1000 का क्यूब रूट जो है 10 हो गया, और 1331 का जो है क्यूब रूट कितना हो गया, 11, तो 10 से ये वैल्यू बढ़ के 11 हो गई, कितनी बढ़ी, एक किसके ऊपर बढ़ी, 10 पे, तो 1/10 कितना हो गया, 10% रेट हो गया। आप सीधा सीधा एक स्टेप में इसको सोल्व कर सकते हो। क्या करना, पहले रेशियो लेना है, अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट, ऐसे लिया, फिर जितना इंक्रीमेंट हुआ है प्राइमरी वैल्यू पे, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो,
ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। आज मेरा फोकस जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने पे रहेगा मेरे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी 2000 अमाउंट टू रुपी 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो पिछले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो एक बार मैं फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। अमाउंट का फॉर्मूला पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 की पावर एन। अमाउंट दे रखा आपको 2420, ठीक है। यहाँ पे 2000 वन प्लस आर कितना दे रखा, 10 की पावर एन, 10/100। देखो एक जीरो तो कैंसिल हो गई, दो से कट रहा है, 121, ये हो गया 100। तो 121/100 इज इक्वल टू ये कितना, वो 11/10 की पावर n। आपको सेम बेस में कन्वर्ट करना है इसको, 121/100 को। तो 121 को लिख लो 11 और इसको लिख लिया 10, 11/10 का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर, इधर 11/10 की पावर n। देखो 11/10 का स्क्वायर 11/10 की पावर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से, ये हमने फॉर्मूला लगा कर लिया, 10% दे रखा आपको। देखो 10% को क्या लिखोगे आप, 1/10। अगर मैं यहाँ पे p और a का रेशो लिखूँ, p और a का रेशो, तो क्या हो जाएगा, p 10 है तो एक ब्याज हो गया, तो 10 और एक 11 हो गया। आपकी जो वैल्यू दे रखी है ना, 2000 एक है 2000 और दूसरी वैल्यू है आपकी कितनी, 2420। इसका रेशो ले लो, 2 से 100 और 2 से 121। अब इसको जो है इस बेस की पावर में कन्वर्ट कर लो, तो 10 का स्क्वायर होता है और ये 11 का स्क्वायर। तो जैसे ही कॉमन पावर आ जाएगी इसके ऊपर, वही आपका ऊपर ये जो पावर है ना, यही टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पे पर एनम है तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 ईयर हो गया, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली दे रखा है, पर एनम दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट कर लेना होता है। तो टाइम 2 साल हो गया। तो पहला क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट का था, दूसरा क्वेश्चन आपका टाइम पीरियड निकालने का। चलो अब तीसरा क्वेश्चन आप करके बताओ, इन व्हाट टाइम विल रुपी 1000 बिकम्स 1331 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आप फॉर्मूला लगा के जो एक बार जो करके देख सकते हो और जो है वैसे बता सकते हो। बताइए क्या करना है आपको, 10% रेट दे रखा है, 10% कितना होता है, 1/10 ना। तो पी और ए का रेशो क्या बनना चाहिए आपका, 10:11 का। तो इस बेस की पावर में कन्वर्ट करना है आपको, जो भी वैल्यू देखिए। तो 1000 से क्या हो रखा है, 1331 हो रखा है। अभी इससे आगे तो कटने से रहा, तो ये है आपका 10 का क्यूब और ये है आपका 11 का क्यूब, ठीक है। तो अब आपको बताना टाइम पीरियड, इन व्हाट टाइम। तो बताओ भी टाइम पीरियड कितना समय हो जाएगा। सीधा सीधा आपको पता है ये यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, रेशियो लेना है जो आपका बेस है यहाँ पे, उसकी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 साल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 25 ओके, यहाँ भी थोड़ा मिसिंग है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल, तो विल यहाँ पे क्वेश्चन है, विल रुपी 2304 विल बिकम 2500 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, ब्याज की दर बताना है। क्या करोगे, पी लिखो और ए लिखो। तो P है आपका 2304। देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। तो इस सवाल में कहता है कि किस दर से 2304 रुपये की राशि 2 साल में 2500 हो जाएगी। तो 2304 रेशो 2500 हो जाएगी 2 साल में। तो सबसे पहले तो 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा, याद करो जरा, मैंने तरीका समझाया था। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा
48, 2 का स्क्वायर 04, 25 में 2 का 23, 48, और ये 2500 का कितना हो जाएगा 50, तो P तो 48 है और A जो है 50 है, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, ठीक है, 2 बढ़ गया, किसके ऊपर बढ़ गया, 48 पे, तो हो गया 1/24, 1/24 का मतलब कितना हो, 4.16% हो गया, 4.16%, 2/48, 2304 रुपये की राशि 25 हो गई, तो पहले इसका स्क्वायर रूट लिया तो कितना 48 से 50 हो गया, 2 बढ़ गया किसके ऊपर, 48 पे, 1/24, 1/24 4.16% हो गया रेट। चलो अगला क्वेश्चन भी, आज मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 9 ईयर्स एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। चलो इस पे तो इंटरेस्ट ही पूछ लिया इसने, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ जरा सोल्व करके। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है, उसने कहा क्वेश्चन में कि क्वार्टरली है, कंडीशन क्वार्टरली है, तो आर जो है वो क्या हो जाएगा आपका 20/4 हो जाएगा, 5% के हिसाब से निकलेगा, पहली बात, ठीक है, 5% के हिसाब से प्रिंसिपल आपको 16,000 दे रखा है, ठीक है, और आपका टाइम जो है 9 मंथ है, तो 3 स्लॉट हो जाएंगे, 3-3 महीने के 3 स्लॉट हो जाएंगे, यानी कि 3 बार आपको ऐसा करना है, तो 16,000 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 16,000 पे कैलकुलेट करोगे 3 पार्ट में, देखो 5% निकालो, 10% 1600, 5% हो गया 800, 10% 1600, 5% 800 हो गया, ये हो गया 800, अब देखो 10% 80, 5% कितना हो गया 40, 80, 5% 40 हो गया, और देखो ये इधर से 40 आ गया, इन दोनों से भी 40 और 40 आ गया, 40, 40, और ये 40 पे देखो 10% 4 है और 5% कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। देखो 16,000 है, उसका 10% कितना 1600, 5% 800, तो तीनों में 800 800 800 आ गया, फिर जो है आगे 800 के ऊपर इधर वाला जो है सेकेंड ईयर में 40, 10% 80, 5% 40, फिर अगले तीसरे साल में इन दोनों 800 के ऊपर जो है 40 40 आएगा, और 40 का 5%, 10% 4, 5% 2, तो 2400, 800 गुना में 3 प्लस 40 गुना में 3 प्लस में 2, तो 2400 प्लस में 120 प्लस में 2, तो 2520 और 2522 हो जाएगा, 2522 हो गया। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 32,000 यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5044 इन 9 मंथ्स इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, 32,000 रुपये पर 9 महीने में, और तिमाही की दर है, ठीक है, तो आपको किस दर से जो है ये ऐसा कर पाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज 5044 हो जाए। चलिए सोल्व करते हैं, सबसे पहले आपका प्रिंसिपल 32,000 है, ठीक है, और इंटरेस्ट दे रखा आपका सीआई दे रखा 5044, तो जब भी अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो यहाँ पे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हो गया 37,044 हो गया, तो उसके बाद तो हम रेशियो ही निकालते हैं ना, पी और ए का रेशियो, तो यहाँ पे है 32,000 और यहाँ है आपका 37,044। चलो भाई काटो इसको, पहले कितने से कट रहा है मेरे को दिख रहा है, ये 4 से कटता हुआ दिख रहा है, 4 से काटोगे तो ये हो गया 8,000, ये 4 से 9 36, 9261, 8,961, ठीक है, पी 32,000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 5044 है, 32,000 प्लस 5044 37,044 हो गया, इसको 4 से काट दिया तो 8,009,261 हो गया। अब देखो यहाँ पे 9 महीने है और क्वार्टरली रेट है, तो ऐसे 3 बार इसने जो है पावर लगाई होगी इस पर, तो इसका मतलब आप इसका क्या लोगे, क्यूब रूट लोगे, अब इसका ले लो क्यूब रूट, तो 8,000 का क्यूब रूट कितना होता है, 20 होता है, 9,261 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 21 हो गया, 21 का क्यूब हो जाता है 9,261, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया, किसके ऊपर, 20 के ऊपर, 1/20 कितना हो गया, 5% हो गया, 1/20 5% हो गया, तो आपका R/4 है ना, क्योंकि क्वार्टरली कंडीशन है ये क्वार्टरली कंडीशन के हिसाब से आपने सोल्व किया है इसको,
तो आर बाई फोर की वैल्यू 5% दे रखी है यहाँ पे, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी भाई। आर बाई फोर की वैल्यू 5% है, तो आर की वैल्यू कितना, 20% हो जाएगी। क्लियर है? देखो पी 32,000 है, सी आई जो है आपका 5,044 है, तो हमने इसको जोड़ दिया तो अमाउंट कितना आ गया, 37,044 आ गया। पी और ए का रेशो ले लो, पी और ए का रेशो 32,000 और 37,044 कितना, 8,9,261 तीन बार हुआ, क्योंकि क्वार्टरली कंडीशन है, 9 मंथ है, तो क्यूब रूट लिया 20 और 21 आ गया, 1/20 के ऊपर 1/20 5%, ये किसकी वैल्यू आई, आर बाई फोर की वैल्यू आई, आर बाई फोर की वैल्यू 5%, तो आर 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल रुपी 10,000 अमाउंट टू 13310 पर एनम, देख लो भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 20% है, उसमें 2 का भाग दे दो, हाफ ईयरली कंडीशन है ना, देख लो तो 2 का भाग दोगे 10% हो जाएगा। 10% को कैसे लिखोगे, 1/10, ठीक है, तो पी और ए का रेशो कितना हो जाएगा, पी और ए का रेशो हो जाएगा 10 और 11, 10:11 हो जाएगा पी और ए का रेशो, ठीक है। अब बात करते हैं कि 10,000 से कितना, 13,310 हुआ है, तो इसका भी रेशो ले लेते हैं, 10,000 से ये हो जाएगा 13,310, तो ये कट गया, ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, ठीक है। तो देखो ये 10 और 11 का जो बेस है, इसका कितनी पावर करने पे हमारा 1,000 और 1,331, ये 3 पावर करने पे, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। आज हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड निकालने के क्वेश्चन मेनली सोल्व करें। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे 3 ईयर, ये 3 स्लॉट आए भाई, ठीक है, तो हाफ ईयरली कंडीशन थी ना, तो हाफ ईयरली कंडीशन में 3 स्लॉट, ये 3 साल नहीं होंगे भाई, साल कितने हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे, 1.5 साल हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 3 बार इंक्रीज किया था, तो यहाँ पे हाफ ईयरली कंडीशन है, यानी 6-6 महीने के 3 स्लॉट हो गए, यानी कितने हो गए टोटल, 1.5 साल हो गए, 1.5 ईयर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार मिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगला सवाल आपके सामने, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम फॉर अ सर्टेन टाइम इज रुपी 4347, द टाइम इज, बताइए कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम फॉर अ सर्टेन टाइम इज 4347, तो टाइम पीरियड बताना है। आज मेनली हम टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बताइए भाई क्या करोगे। सबसे पहले आपका प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे 30,000, ठीक है, आपका टाइम इज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपका सी आई 4347, ठीक है, 4347, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34,347 हो गया, 34,347, ठीक है। अब देखो इसका हमें कितने समय टाइम निकालना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो देखो 7% का कोई फ्रैक्शन तो बनने से रहा, 7/100 लिखोगे तो आपको रेशो क्या चाहिए, तो यहाँ पे पी और ए किस किसकी बेस में बनाना है, ये 100 है और ए कितना बन जाएगा 107, तो यहाँ पे आप लिख लो इसको 30,000 और 34,347, 3 से कटा 10,000, एक एक, ठीक है, यहाँ पे 3 से 1, फिर 4 बार, फिर 4 बार, फिर 9 बार, तो ये तो 100 का स्क्वायर है और ये 107 का स्क्वायर है, याद है सबको, बेसिक कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है पता लग रही होगी, तो 100 का स्क्वायर और 107 का स्क्वायर, यानी टाइम पीरियड कितना हो गया, 2, और आपकी कंडीशन तो जो है पर एनम है यहाँ पे, तो टाइम आंसर क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स हो जाएगा। आई बात कुछ समझ में, किस तरह से टाइम निकालना, किस तरह से रेट निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपी 8,000 विल अमाउंट
टू 8820 इन 2 ईयर्स इफ़ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एवरी ईयर द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पी दे रखा है 8000 और ए दे रखा है 8820, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो पी और ए यहाँ 8000 और 8820, 2 से कितना हो गया 400, 441, ठीक है। द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कितना, रेट ऑफ कंपाउंड कितने साल हैं, 2 साल है ना, 2 ईयर्स है। स्क्वायर रूट ले लो, 400 का स्क्वायर रूट 20 हो गया, 441 का 21, कितना बड़ा, 1 बड़ा किसके ऊपर, 20 के ऊपर, 5% हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 5%। अब कंडीशन इसमें क्या दे रखी है, एवरी ईयर बोल रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा आपका क्वेश्चन में, 5% भाई, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइम इन विच 80,000 अमाउंट टू रूपू 92610 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो इसमें आपको क्या बताना है, टाइम अगेन पी दे रखा है 80,000, ए दे रखा है 92610, ठीक है। रेट है आपका 10%, तो किसका बेस बना, टाइम पीरियड निकालना, किसका बेस बनाना है आपका, 1/10, ये सेमी एनुअली है भाई, इसका 5 से 2 का भाग दे दो पहले, 5% हो जाएगा ये, तो 5% आपका हो गया यहाँ पे 1/20 हो जाएगा, 1/20। तो आपका पी और ए का रेशो 20 और 21 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेशो लेते हैं, कितना 80,000 और 92,610, 80,000 और 92,610, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 20 का क्यूब होता है, ये वाला 21 का क्यूब होता है, ठीक है, 20 का क्यूब और 21 का क्यूब। तो यहाँ पे अपना रेशो किसका बनना था, 1/20, तो पी और ए किसका रेशो बनाना था, 20 और 21 का, तो 20 और 21 पे पावर कितनी है आपकी, 3 साल है, तो 3 बार इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, देखो कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 3 बार इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये 3 का मतलब क्या हुआ, 3 बार बढ़ा है, तो 6-6 महीने के 3 स्लॉट हुए ना ये, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1.5 ईयर हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंडेड जो हाफ ईयरली यानी सेमी एनुअली दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1.5 साल, 1.5 ईयर। नेक्स्ट, रुपी 800 एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअल विल अमाउंट टू रुपी 82 इन, टाइम बताना आपको, अगेन जो है 5% का 1/20, तो रेशो किसका बनाना पड़ेगा, 20 और 21 का। तो रेशो ले लेते हैं पहले, 800 और 882 का पी और ए, यहाँ पे 800 है और ये 882, पहले इसको काट देंगे 441, तो ये तो आपका 20 का स्क्वायर है और ये वाला 21 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 पावर लगी आपकी, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। क्या देखना आपका, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका पी और ए का रेशियो ले लो, तो इनकी कितनी पावर बन रही है जो गिवन वैल्यू है रेशियो लेने के बाद, तो उतने ही स्लोट हो जाएंगे, फिर आप पर एनम हाफ ईयरली या क्वार्टरली के अकॉर्डिंग उसको काउंट कर लोगे, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट ये वाला बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 4 का भाग दे दो भाई, 10/4% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/4 और डिवाइडेड बाय 100, 1/40 हो गया। तो आपको किसका बेस बनाना है, 40 और 41 का, 40 और 41 का, अभी वैल्यू ले लेते हैं, 3262, 3200 पर, तो किससे कट रहा है, पहले से 2 से कट रहा है, 1600 हो गया,
और ये वाला 2 से 1 बार, 13, 2 से 6 बार, 8 बार, 1 बार, 1681। तो ये आपका 40 का स्क्वायर है और ये 41 का स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्वार्टरली है ये रेट यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब आपने 2 इंक्रीमेंट लगाए क्वार्टर के, 3-3 महीने के, तो 3 मंथ 3 मंथ प्लस कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा, यानी कि आधा साल हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, ध्यान रखना आपको रेट कितना, 10/4, तो 1/40 हो गया, तो 40 से 41 हो रहा आपका। 3200-3362 का रेशो लिया, 1600-1681 आ गया। 1600 क्या है, 40 का स्क्वायर, 1681 क्या है, 41 का स्क्वायर, यानी 2 इंक्रीमेंट लगे हैं 3-3 महीने पे, तो 3-3 महीने के 2 इंक्रीमेंट मतलब 6 महीना हो गया, 6 मंथ आप उस पर लगा दोगे, ठीक है, 6 मंथ, क्लियर। सिक्स मंथ मतलब आधा साल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सोल्व जरा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स इज 615। कोई राशि है उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका 2 साल का 615 है, और फिर कहते हैं एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इज 600। तो उसी के लिए साधारण ब्याज 600 है, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो इसको तो अपन कर सकते हैं आसानी से, अगर मैं आप यहाँ लिख दूँ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट लिखता हूँ तो आप ब्याज बताइए, ये 600 है 2 साल का, तो यानी कि 1 साल का 300 होगा, तो 300-300 सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है इक्वल टाइम में, तो 600 को 300-300 में बांट दिया। अब 300-300-600 और ये 15 जो आया वो कहाँ से आया, ये पीछे वाले इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आया आपका, तो इस हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, क्योंकि 15 आया किसके ऊपर, 300 के ऊपर, ये 15 आया किसके ऊपर, 300 के ऊपर, और गुना में आप कर दो 100, 15 से 2 बार, 20 से 5 बार, 1/20 मतलब 5% रेट हो गया। अब आपको ये पता लगे कि 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कैसे, माना प्रिंसिपल पी है, ठीक है, 300-300 जो है सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और 15 जो एक्स्ट्रा आया वो 300 के ऊपर आया, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 15/300 गुना में 100, ये हो गया 5%। इस 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू जो है दे रखी कितनी आपको, 300 दे रखी है, 5% की वैल्यू 300 कैसे हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 300 आ रहा है। अभी 5% 300 है तो आपको 100% यानी प्रिंसिपल निकालना, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6000 हो जाएगी। यही पूछा आपसे कि प्रिंसिपल बताना, वो सम बतानी है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। आई बात कुछ समझ में, सिंपल क्या किया हमने, प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 600, तो 300-300 गया, एक्स्ट्रा 15 किस पे आया, 300 पे, 15/300, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया, 5% की वैल्यू 300 है, तो 100% निकाल लिया हमने। नेक्स्ट, रेखा इन्वेस्टेड अ सम ऑफ रुपी 12,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, सी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 13230 आफ्टर एन ईयर्स, फाइंड एन, फिर से टाइम पीरियड निकालना, 5% 1/20 हो गया, ठीक है, 5% 1/20 हो गया, तो रेशो बनेगा क्या, 20 और 21 का बनेगा जो बेस बनेगा, तो 12,000-13,230, 12,000-13,230, 10 से 10 कैंसिल हो गए, 1200 और 1300, 3 से कट रहा है, 3 से 400 हो जाएगा, 3 से 4 बार, 441, ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 साल हो गया, 2 ईयर। ये जितनी पावर लगती है वो टाइम पीरियड हो जाता है, अगर पर एनम है तो। हाफ ईयरली है तो आप हाफ ईयरली के हिसाब से काउंट करोगे, क्वार्टरली के हिसाब से काउंट करोगे, ये ध्यान रखना आपको, तो कितना हो गया, 2 साल का टाइम हो गया आपका, 2 ईयर। नेक्स्ट, इन वोट टाइम वेल ₹64,000 अमाउंट टू ₹68,921 एट 5% पर इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम बताना फिर से, हाफ ईयरली कंडीशन है इस पर, तो 5% है इसमें रेट जो, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो 5/200 हो जाएगा ना, 1/40, यानी जो भी आएगा वो
1/40, यानी जो आपका बेस क्या बनेगा, 40 और 41 का बनेगा, ठीक है, पहली बात। तब आपके पास है 64,000 रेशो 68:9:1, चौंसठ हज़ार, और ये जो है आपका 68:9:1 है, ये नहीं आगे, ये 9:1 है भाई, ये आगे वाला नहीं है, 68,921 है, 68,921, 64,000, 68,921, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये तो साफ साफ ही पता लग रहा है किसका क्यूब है, 40 का क्यूब है, तो ये वाला 41 का क्यूब है, 40 से और 41 का क्यूब, तो टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 3 स्लॉट्स हुए हैं भाई, ईयर नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे हाफ ईयरली कंडीशन है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि 6-6 महीने के आपके 3 स्लॉट हो गए, 6-6 महीने के 3 स्लॉट कितना हो गया, 1.5 ईयर हो गया ना, 1.5 ईयर, 1.5 साल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ अगेन टाइम पीरियड का। तो आज हमने ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कौन से सोल्व किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के और आपका टाइम पीरियड निकालने के क्वेश्चन सोल्व किए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे टेस्ट की तरफ, ये आपका टेस्ट 3 मिनट का टेस्ट है, 5 क्वेश्चन है, सोल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक 3 मिनट बाद मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे। टाइम स्टार्ट हो गया है, सोल्व करना स्टार्ट कर दें। थ्री मिनट, 5 क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखोगे आपको आते हैं। एक मिनट हो गया है, सॉल्व कीजिए सब लोग। लास्ट 30 सेकेंड में आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे।
चलो भाई, फर्स्ट का आंसर है 1200, 1200, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पहले का आंसर है 1200, 1200, दूसरे का आंसर है 8000, 8000, फर्स्ट 1200, सेकंड 8000, थर्ड का 10000, 10000, चौथे का है 6%, और पांचवे का है 1891.5। पहले का 1200, दूसरे का 8000, तीसरे का 10000, चौथे का 6%, पांचवे का 1891.5, 1891.5। चलो बताओ 5 out of 5 कितने लोगों का है। बताइए, फाइव आउट ऑफ फाइव कितने लोगों का है। ओके, अगेन देखिए, स्कोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्राई करना इम्पोर्टेंट होता है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, ठीक है। सो हाउ वी कैन कनेक्ट, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सएप नंबर 7023402758, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लिखना नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं। कल की क्लास आपकी स्पेशल क्लास है भाई, इवनिंग की क्लास भी, मॉर्निंग की क्लास भी, ठीक है। दोनों ही क्लासेज में आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं आपके, ठीक है। तो जिन लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं क्लास के लिए, इन्वाइट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।